जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो दोस्तों, आज विश्व प्रसिद्ध कार फेस्टिवल है, मतलब श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा। इसी रथ यात्रा के दिन प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा माता के साथ मिलकर अपने मौसी के घर मेहमान होकर जाते हैं। विश्व पे ऐसा कोई प्रभु नहीं जो कि भक्तों को मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं, लेकिन प्रभु जगन्नाथ जी इसी रथ यात्रा के दिन भक्तों को मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं और रथ पे बैठकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा उड़ीसा का पुरी जिला पे होता है, लेकिन ये सिर्फ पुरी जिला पे नहीं बल्कि विदेश में भी होता है, जैसे कि अमेरिका, न्यूयॉर्क, ऐसे बहुत सारे देशों पे भी पुरी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा माना जाता है। ये रथ यात्रा पुरी के बड़ा दांड पे होता है, जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा दांड, जिसको बड़ा दांड कहा जाता है। इसी कार फेस्टिवल मतलब विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दिन तीनों रथ निकलता है, जैसे कि प्रभु बलभद्र, माता रानी सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ जी के रथ निकलता है। जैसे कि प्रभु बलभद्र जी के रथ का नाम तालध्वज और महारानी सुभद्रा का रथ का नाम धप्पदलन और प्रभु जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष। यही तीनों रथ श्री मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, जो कि लगभग 3 किलोमीटर का दूरी होता है। इन्हीं तीनों रथ में से सबसे पहले प्रभु बलभद्र जी के रथ मतलब तालध्वज रथ, जिसको भक्तों ने खींच खींच के गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। उसके बाद माता रानी सुभद्रा जी के रथ निकलता है, जिसका नाम दर्पदलन रथ, उसी को वैसे ही भक्तों ने खींच खींच के गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं। आखिर में प्रभु जगन्नाथ जी के रथ निकलता है, जिसका नाम है नंदी घोष। इसी में ज़्यादा भीड़ लगा रहता है, इसी तरह ज़्यादा भीड़ लगने से भी भक्तों ने खींच खींच के गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। सबसे पहले जो रथ निकलता है वो है तालध्वज रथ, जो कि प्रभु बलभद्र जी के रथ का नाम है। इसी में 4 काला कलर का अश्व लगा होता है, जो कि रथ को खींचते हैं। रथ का कलर हरा और लाल होता है। बीच पे माता रानी सुभद्रा जी के रथ निकलता है, जिस रथ का नाम है दर्पदलन रथ। इसी में 4 अश्व लगा होता है, जिसका रंग है भूरा रंग, और इसी रथ का रंग है काला और लाल कलर का होता है। आखिर में नंदी घोष रथ निकलता है, जो कि प्रभु जगन्नाथ जी के रथ होता है। इसी पे 4 सफेद अश्व लगा होता है, जो कि रथ को खींचते हैं। इसी रथ का कलर होता है पीला और लाल। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम प्रभु जगन्नाथ जी और तीनों रथों के बारे में जान लिए, तो अभी हम चलते हैं रथ यात्रा देखने। चलो दोस्तों, रथ यात्रा देखते हैं और इसी वीडियो को एंड करते हैं।
कैसा भी हो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं और एक वीडियो पे। जय जगन्नाथ दोस्तों।